एक और सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है और वही लोगों को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित भी करती है, लेकिन ऐसे में धनबाद में स्वरोजगार कर रहे जो आत्मनिर्भर है उनसे रोजगार छीना जा रहा है। जी हाँ, भूमाफिया के कुछ अधिकारी रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, देखिए। एक और सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है और लोगों को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन धनबाद में स्वरोजगार कर जो आत्मनिर्भर है उनसे रोजगार छीना जा रहा है। भूमाफिया से कुछ अधिकारी मिलकर रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। बता दें कि धनबाद के पुराना बाजार शनिदेव महाराज कैंपस में दर्जनों पक्के की दुकान थे, जिस पर भूमाफिया शरद दुदानी, जो धनबाद के प्रसिद्ध व्यवसायी भी है, इनकी नजर पड़ी और जिले के अधिकारियों से मिलकर इन पक्के दुकानों को ढा दिया गया, जिससे दर्जनों लोगों का रोजगार छिन गया। अब ये लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं, जिसे लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर दुकानदारों के द्वारा शरद दुदानी के नाम पर भिक्षा मांगने के तख्तिया गले में लटकाकर एक दिवसीय धरना दिया और सरकार और जिला प्रशासन से भूमाफियाओं से मुक्त करने और रोजगार चालू करने की मांग की। कहा कि पिछले साल ही हम लोगों की दुकान पर भूमाफिया शरद उदानी की नजर पड़ी और जिले के कुछ अधिकारियों से मिलकर हम लोगों की दुकान तोड़वा दिया, जिससे हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिससे आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है और हम लोग भिक्षा मांगने को विवश हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचपीएन न्यूज। कर रहे हैं आज ऐसा कि हम लोग जो भिक्षाटन कर रहे हैं और हम लोगों की दुकान तोड़ दिया गया, अचानक जो है दुकान को तोड़ दिया गया, हम लोग रोड पर आ गए, भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए, इसलिए एक दिवस से भिक्षाटन कर रहे हैं, लोगों से अब समर्थन मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। आगे क्या राजनीति होगी आगे जी? आगे क्या करिए? मांगे नहीं पूरी होगी तो होगी तो धरना पे बैठेंगे। पूरा परिचय दीजिए जी। मेरा नाम मोहम्मद यासुद्दीन अंसारी है, शनि महाराज सुशील दुकानदार समिति के अध्यक्ष हैं। आज मध्य पिछले 50 साल से भी ज़्यादा वक्त से शनि महाराज मंदिर कैंपस पुराना बाजार बैंक रोड में, वहाँ दुकानदार पक्की दुकानें बनाकर, फुटपाथ दुकानदार नहीं था, पक्की दुकानों के साथ वो लोग व्यवसाय कर रहे थे, सरकारी ज़मीन थी वो। अचानक भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि उस ज़मीन पर पड़ी और भूमाफियाओं ने सरकारी कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को सेट करके उस ज़मीन पे जो दुकानें थी, पक्की दुकानें, बगैर किसी नोटिस वोटिस के गैरकानूनी तरीके से उन दुकानों को तोड़ दिया। आज उन दुकानदारों की इस महामारी के समय में ये स्थिति है। हम जिला प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? आप एक लोगों को रोजगार देने के लायक नहीं है, मगर इन भूमाफियाओं ने, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को बेरोजगार किया, इसका जवाबदेही किस पर है? जिला प्रशासन इससे बच नहीं सकता। आज ये लोग भीख मांगने की स्थिति में आ गए हैं। भूमाफिया कौन था? शरद दुदानी। ये क्या आप डीसी को नोटिस दिए थे? बिल्कुल, हम लोगों ने इस सारी जगह पे, इन दुकानदारों ने हर जगह, हर द्वार पे दर दर भटक रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों को भीख मांगने की नौबत है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारी माँ जो है बगैर दवा के मर रही है, हम लोगों को मदद किया जाए। मगर से चल रहा है ये 2019 लास्ट महीने से ये हुआ है और तब से ये दुकानदार लोगों के सामने एड़िया रगड़ रहे हैं, अपना माथा पटक रहे हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भू माफियाओं के सामने कानून, संविधान, सारी चीज़ छोटी बौनी पड़ गई है।